अगर आपके यहाँ आज 10 फूल खिले हैं तो कल 20 खिलेंगे और परसों देखेंगे तो 50 फूल खिले हुए हैं। तो बगैर मेहनत और बगैर केयर के आप इस प्लांट के से बहुत ज़्यादा आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसमें आप पानी देते रहें और फ्लावरिंग लेते रहें। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूं और द मुगल्स हेवन के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये है मैक्सिकन पिटोनिया फ्लावर के प्लांट। इसके अंदर जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे ये फ्लावरिंग का एक प्लांट नहीं, पूरी फैक्ट्री है फ्लावरिंग की। अगर आपके यहाँ आज 10 फूल खिले हैं तो कल 20 खिलेंगे और परसों देखेंगे तो 50 फूल खिले हुए हैं। इसकी फ्लावरिंग रोज़ाना बढ़ती रहती है। तो बगैर मेहनत और बगैर केयर के आप इस प्लांट के से बहुत ज़्यादा आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसमें आप पानी देते रहें और फ्लावरिंग लेते रहें। इसमें 3 कलर आते हैं, वाइट, पिंक और पर्पल। तो नर्सरियों में ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 30 रुपए का एक प्लांट मिल जाता है और 3 कलर मिल जाते हैं इसके। तो इसमें 3 जो वैरायटी हैं और तीनों वैरायटी ये हमारे पास जो है ये डॉर्फ वैरायटी है। इसमें हमारे पास इस टाइम पे एक कलर नहीं है। कोई साहब हमारे घर आए थे और उन्होंने ये प्लांट मांगे, उस टाइम फ्लावरिंग आ नहीं रही थी तो उनको हमने 5-7 प्लांट उठा के दे दिए। तो पर्पल वाला प्लांट उनके साथ चला गया और मेरे पास 2 ही कलर रह गए और मैंने सारे उनको निकाल के दे दिए। तो दोस्तों, ये नर्सरी से बहुत सस्ता मिल जाता है, लगभग 30 रुपए का एक प्लांट ये मिलता है। और ये हमारे पास ये हमने 4-5 साल पहले लिए थे और ये सब सीड ग्रो हैं। इनके ही सीड गिरते रहते हैं और सारे गमलों में जमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है ये। तो आप इसको एक बार ले लें और हमेशा हमेशा के लिए गार्डन में इस तरीके से इसकी सीड गिरते रहेंगे और आपके प्लांट तैयार होते रहेंगे। इसमें जो देसी वैरायटी आती है वो वैरायटी सिर्फ पर्पल रंग, एक ही रंग की आती है और वो मेरे पास इस टाइम पे नहीं है, इस साल नहीं ग्रो हुई है। तो वो फिर उसका मैं सीड लेके आऊँगा कहीं ना कहीं से और सीड से उसको ग्रो करेंगे। तो ये वैसे तो ये सारे के सारे सीड से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि बहुतों के यहाँ नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सीड से ग्रो हो रहे हैं और ये सब सीड ग्रो ही हैं। तो ज़्यादातर तेज़ धूप से बचाना होता है। तेज़ धूप में अगर आप इसको रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो मुरझाने लगती है और ये दोपहर के बाद 2-2.5 बजे की धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और 2-2.5 बजे ये मुरझाने लगते हैं। और सुबह होते ही जैसे ही धूप निकलनी शुरू होती है इसके सारे बर्ड्स जो हैं वो खिल जाते हैं। इसमें बर्ड्स बेशुमार आता है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और जब तीनों कलर इसके एक साथ रखे हों तो बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत लगते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आपको यहाँ ये बिल्कुल नहीं मरेगा। ये किसी किस्म की इसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगती है। बस ये है कि इसकी वेलड्रेन मीडिया होनी चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए इसके अंदर। आप इसकी मीडिया वेलड्रेन बनाएं और तेज़ धूप से इसको बचाते रहें तो ये फ्लावरिंग की कोई कसर नहीं बाकी छोड़ता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको छोटे से प्लांटर में भी लगा देंगे तो ये बहुत ही इजी ग्रो होता रहता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो लेकिन ये हमारे पास जो सीट इसके गिरे वो बड़े गमलों के अंदर गिर गए हैं, करीब 13-14 इंच का जो गमला होता है सीमेंट का, उसके अंदर ये देखिए लगे हुए हैं और ये अपने आप सीट ग्रो हो गए। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसलिए उसको नहीं निकाला। तो आज मैं इनको दूसरे छोटे प्लांटर में रिपोर्ट करेंगे। तो 2 डब्बे हैं हमारे पास, कबाड़ के डब्बे प्लास्टिक के, और उनके अंदर कुछ पौधे लगे हुए थे तो उनकी मिट्टी मैं निकाल कर और थोड़ी देर सुखाऊंगा और सुखाने के बाद में उसमें उसको वेलड्रेन बनाने के बाद में उसमें खाद वाद मिला के फिर उसमें इनको हम रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक ये मिट्टी हमारी सूख रही है
तब तक हम कबाड़ के डब्बे जो है हमारे बहुत गंदे हो रहे हैं उनके ऊपर हम पेंट कर लेते हैं और पेंट करके वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो साथियों, मिट्टी मेरी सूख गई है और मिट्टी सूखने के बीच में मैंने ये अपने गमले भी पेंट कर लिए हैं और ये गमले पेंट हो गए, बहुत गंदे हो गए थे ये, तो इन गमलों को मैंने पेंट कर लिया है। ये कबाड़ के जो डब्बे थे जो जिसमें मैंने और प्लांट लगाए हुए थे तो वो सूख गए, तो फिर मैंने इनको अभी निकाल के इनको सेलेक्ट किया तो ये बहुत काफ़ी गंदे थे तो मैंने इनको ऊपर पेंट कर दिया है, अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हम ये मिलाते हैं वेल्डेंट करने के लिए, थोड़ी सेंट मिलाएंगे ये देखिए, और इतना थोड़ा सा कॉटन भी मिलाएंगे। तो ये छोटे छोटे गमले हैं इस वजह से तो कॉटन भी इनके मतलब का इनको ज़्यादा खाद नहीं चाहिए है, और फिर इसके अंदर बीच बीच में 8 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा दिया जाता है, उससे अच्छी फ्लोवरिंग आती है। तो अब इसको इसके अंदर मैं अपने सेंट मिला देता हूँ, ये इस तरीके से सारे में फैला दें और इसी में ये कॉटन मिला दें। अब इस मिट्टी को मिला दें इस तरीके से, अच्छी तरीके से मिला दें। डैनिश होल बंद करने हैं तो डैनिश होल के लिए मैं इसमें से ये थोड़ी सी कंकर पत्थर है ये इसमें डालते हैं, ये इसमें नीचे डाल दें और इनको थोड़ा थोड़ा गमलों को भर लें, इस तरीके से इन गमलों को भर लें। अब हम दोस्तों अपना इसमें से प्लांट निकालते हैं। ये बहुत बड़े गमले में सीड ग्रो है, ये बहुत बड़े गमले में ये लग गए हैं, अपने आप ग्रो हुए हैं, तो इनको इसमें निकाल के इसमें रिपोर्ट कर देंगे और इस बड़े गमले के अंदर हम कोई और प्लांट अपना यूज कर लेंगे, इस वजह से इसको बहुत एहतियाती से निकालना पड़ेगा ये देखिए, और बहुत नीचे तक इसके रूट चले गए थे। और इसको इस तरीके से लगा दें, ये बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन लगेगा। थोड़ा सा मीडिया और डालते हैं, धूप ज्यादा तेज हो गई है तो इसके फूल मुरझा रहे हैं सारे, इसके चारों साइड आहिस्ता आहिस्ता ये पत्तियां उठा के और मीडिया डाल दें, कस के दाब दें इसको चारों तरफ से ताकि इसका रूट खुला हुआ ना रहे। ये एक रिपोर्ट हो गया है मेरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है और जब इसमें कल को फूल खिलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके रूट घने बहुत होते हैं इस वजह से काफी देर में निकल पाता है ये। ये मिर्च के प्लांट के भी रूट इसी के अंदर हैं, तो ये हम दूसरे प्लांट में ग्रो करेंगे, इसी में लगा देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने प्लांट निकाल लिया अपना और मैं इसको इस वाले पोट में कर देंगे, बीच में सेंटर देख लें इसका और फिर इसमें मीडिया डाल दें आप। अब इसमें पानी डाल देते हैं, दोनों प्लांट में अच्छी तरीके से
और एक दिन के लिए शेड में रख देंगे इसको, तो ये खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये इसके रूट अगर टूट भी जाए या कट जाए तो फिर भी ये चल पड़ता है, क्योंकि ये ब्रांच से भी लगाया जा सकता है। ब्रांच से लगने वाले प्लांट जो हैं वो थोड़े बहुत अगर रूट टूट जाते हैं तो वो चल देते हैं। तो ये एक दिन तो शॉर्ट में जाएगा, तो इसको हम शेड में रखेंगे, उसके बाद में हम इसको निकाल के धूप में रख देंगे। और बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, घने प्लांट हैं, काफ़ी बिजी प्लांट हैं, और इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। एक गुलाबी है, एक वाइट है, और ब्लू वाला मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।